लगभग एक वर्ष हो गया है। यहाँ पर नया ऑर्थो का ऑपरेशन थिएटर खुला था, मगर आज तक उसमें एक भी ऑपरेशन होने हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है और स्टाफ न होने की वजह से ये लाखों रुपए का ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल बेकार हो रहा है। और सरकार ये कहती जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री आके कह गए कि यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र स्टाफ पूरा किया जाएगा, डॉक्टर पूरे किए जाएंगे, मगर अगर देखा जाए तो बिल्कुल सोलन को हिमाचल सरकार ने इग्नोर कर रखा है। ये हॉस्पिटल सोलन, सिरमौर और काफ़ी क्षेत्र जो शिमला का है उसको पूरा करता है। वहाँ के मरीज रोज आते हैं, मगर हालात ये है कि बड़े मायूस होकर उन्हें इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो ये बात साफ दर्शाती है कि सोलन के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। जो चीज़ें बन चुकी, ऑपरेशन थिएटर बन चुका है, मगर स्टाफ सरकार दे नहीं पा रही है, तो इससे लोगों की जनमानस को बड़े ठेस लग रही है। और सरकार से ये मांग है कि वो अपने वादे पूरे करे, इरादा दिखाए, वादा ही न करे, धरातल पर जो बात कहते हैं वो धरातल पर पूरी करें। लाखों रुपए की मशीनें हॉस्पिटल में आई पड़ी हैं काफ़ी समय से, मगर जब से ये सरकार आई है स्टाफ न होने की वजह से उन करोड़ों रुपए की मशीनों को भी जंग लग रहा है, ऑपरेशन थिएटर को भी जंग लग रहा है और हॉस्पिटल की व्यवस्था को जंग लगा हुआ है। सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और सोलन की जनता के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। घोषणाएं बड़ी करते हैं मगर धरातल पे कहीं कुछ नज़र नहीं आता और लोगों को सिवाय लॉलीपॉप के सोलन की जनता को इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। और हम तो ये कहते हैं कि जो योजनाएं पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार के समय से चल रही थी, जो काम हो रहे थे, उनको भी इन्होंने बंद कर दिया है।